विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ हुई है, तभी लोगों को शपथ दिलाई गई है और कुछ लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। बात करते हैं रमाकांत यादव जी से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आजमगढ़ के बड़े नेता हैं। सर, इस बार जो है जो उम्मीदें थी आप लोगों को वो पूरी नहीं हो पाई हैं, किस तरह से काम करेंगे सदन में रह के? कौन सी उम्मीद? सरकार बनाने की उम्मीदें थी। देखिए, सरकार बनाने की उम्मीद से हम लोग लड़े थे, सरकार बनना भी चाहिए था। दुर्भाग्य था गरीब जनता, गरीब किसानों का, कि सरकार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी हम लोग, संख्या अच्छी है, निश्चित रूप से सदन में बहादुरी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम सब लोग जनता का काम करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे वहाँ पर। अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष की आप लोगों ने बनाया है, नेता विरोधी दल चुने गए हैं वो, और क्या लगता है कि अब की सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी चल रही है? पिछली बार तो चूंकि सदस्य कम थे आपके, बहुमत ज़्यादा था, अब की लगभग थोड़ा बहुत कमोबेश जो है वो संख्या ज़्यादा है। कमोबेश बहुत मजबूत, हमारा जो है विपक्ष बहुत मजबूत है। और अखिलेश जी के बारे में जानते हैं, तेज हैं, हर मुद्दे को रखते हैं, हर पॉइंट को टच करते हैं, हर तरह से मजबूती से लड़ते हैं। तो जो हमारा नेता, हमारा अगुआ, हमारा सेनापति आगे लड़ रहे हैं, तो पीछे पीछे हम लोग भी लगे संघर्ष करेंगे। मुद्दे तमाम रहे, तमाम मुद्दे उठाए गए, छुट्टा सांड का मुद्दा था और इसके अलावा जो बेसिक मुद्दे थे उनसे, उन पे चुनाव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बुलडोज़र शुरू हो गया, धुआं धक्कड़ शुरू हो गया, तमाम चीज़ें शुरू हो गई। तो आप लोगों ने किन मुद्दों को आधार बनाया अब आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ में बड़ी मजबूती से उभर के आए? देखिए, हम लोग आजमगढ़ में केवल विकास का मुद्दा बनाए। आपने देखा आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुई है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो PGI हो, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का हो, चीनी मिल हो, तमाम बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमाम इतने बड़े बड़े काम किए गए। इसलिए आजमगढ़ हमेशा विकास के नाम पे लड़ता है और किसी चीज़ पे नहीं, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे आजमगढ़ में राजनीतिक लड़ाई होती है। 2024 से पहले उपचुनाव का लक्ष्य आप लोगों के सामने है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कैसे निर्वहन करेंगे? जैसे निर्वहन करते तो ऐसे निर्वहन करेंगे। 2024 में, क्योंकि अब की सफलता नहीं मिल पाई, 2024 का किस तरह से, क्या कोई पैटर्न बदला जाएगा इस बार चुनाव? अभी भाई पैटर्न बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ये सब बातें हैं, हम लोग तो बता नहीं सकते कि हमारा क्या पैटर्न होगा, क्या हमारी नीति होगी, ये सब बताना उचित भी नहीं है। उपचुनाव सर आपके यहाँ जो है वो होने वाले हैं, उपचुनाव में मतलब उम्मीद है कि पूरी तरह से, कि इस बार फिर वहाँ पे जो सांसद थे आपके, सपा का ही सांसद? जब सपा के 10 विधायक बन सकते हैं तो एक सांसद नहीं बनेगा। देखा जाए तो पांचों विधानसभाओं को मिला लिया 1.25 लाख वोट ज़्यादा है, 1.25 लाख की लीड है समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा में, तो इस पर तो कोई बातें नहीं है। रमाकांत यादव जी थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे कि विधानसभा चुनाव लड़े गए हैं सारे, उसी तरह लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा, और जाहिर है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो जब 10 विधायक जीत सकते हैं तो जाहिर है कि एक सांसद भी वहां से जीत कर ज़रूर आएगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।